ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी कोर्ट के निर्देश पर हुई है, लेकिन सवाल बिहार और राजस्थान पुलिस के काम पर उठ रहे हैं। इधर कोर्ट ने दुर्ग सिंह राजपुरोहित को 1 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये है पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित। दुर्ग सिंह राजपुरोहित की कर्मस्थली राजस्थान का बाड़मेर है। पटना में इनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में पुलिस इन्हें राजस्थान से उठाकर पटना लाई है, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने इन्हें 1 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिस मामले में दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी हुई है, उससे खुद को वो अनजान बता रहे हैं। मैं हमेशा की तरह SP ऑफिस में 18 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे हाथों हाथ गिरफ्तार कर दिया और वहाँ से उठा के और मुझे यहाँ लेके आए। भाई आपको ये नहीं बताया किस आरोप में? नहीं, किस कोई आरोप नहीं। FIR के मुताबिक पटना के राकेश पासवान नाम के एक युवक ने दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 6 महीने पहले दुर्ग सिंह राजपुरोहित मजदूरी कराने राजस्थान लेके गए थे, राजस्थान में पत्थर खनन का काम कराया और मजदूरी नहीं थी। पिता की तबीयत खराब होने के बाद राकेश वापस घर लौट आया। 15 अप्रैल को दुर्ग सिंह पटना आए और बाड़मेर जाने को कहा। इनकार करने पर दुर्ग सिंह ने धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। 2 जून को कोर्ट में राकेश का बयान दर्ज हुआ। 9 जुलाई को कोर्ट ने वारंट जारी किया। पटना पुलिस ने वारंट की कॉपी बाड़मेर SP ने दुर्ग सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर पटना भेज दिया, जहां पिरबहोर थाना पुलिस ने उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। दुर्ग सिंह राजपुरोहित पर लगे इस आरोप को उनके पिता ने साजिश करार दिया है। इस हिसाब से इसने न तो कभी पटना या बिहार के इर्द गिर्द भी 500-700 किलोमीटर के अंदर कभी नहीं आया। उसमें दुर्गेश सिंह, जबकि इसका नाम भी दुर्ग सिंह है, ID प्रूफ टोटल दुर्ग सिंह के, दुर्गेश सिंह गुमान सिंह, पता नहीं उसे कहाँ से अच्छा गया। मैंने भी रिक्वेस्ट की, सर हमारे को 2 दिन का टाइम दे दो आप, हम कम से कम किसी को पूछे तो सही भी है क्या, आखिर में है क्या, ये वर्ड किस चीज का है, किसने किया है, क्या है, तो उन्होंने किसी प्रकार की नहीं सुनी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मीडिया की टीम ने पीड़ित राकेश पासवान के पते पर उसे खोजने की कोशिश की। राकेश पासवान ने वर्तमान पता पटना के दीघा स्थित घाट नंबर 90 का दिया है, लेकिन वहां उससे मुलाकात नहीं हो पाई। पड़ताल में इस मामले में कई पेच भी सामने आ रहे हैं, जैसे दुर्ग सिंह राजपुरोहित कभी बिहार नहीं आने का दावा कर रहे हैं, माइंस के किसी कारोबार में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं, अप्रैल महीने में बाड़मेर में होने का सबूत पेश कर रहे हैं। आरोप लगाने वाला राकेश पासवान अब तक सामने नहीं आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राकेश ने मामला दर्ज नहीं कराया। कोर्ट में इन दावों पर चर्चा होगी, जहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन दुर्ग सिंह के गुरु ध्रुव सिंह का कहना है कि उनके शिष्य को साजिश के तहत फंसाया गया है। जब तक शिष्य को न्याय नहीं मिलेगा, वो उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसने अगर कभी भी पटना एक दिन नहीं, एक क्षण के लिए भी आया हो तो इसकी कॉल डिटेल चेक की जाए। इसकी कॉल डिटेल के अलावा ये किसी भी वाहन से आया है तो उस वाहन का भी पता चलना चाहिए किस वाहन से है। ये कभी आया ही नहीं। बिहार और राजस्थान से जुड़े इस मामले में कोर्ट का फैसला क्या होता है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मामला बिहार के किसी रसूखदार शख्स से जुड़ा हुआ है, जिसकी सियासी गलियारे में बड़ी पैठ है। पटना से संजय और स्वप्निल।